इतिहास गवाह है कि जो जितना शक्तिशाली और ताकतवर है उसका अंत भी उतना ही भयंकर और विनाशक हुआ है। चीन अपने आप को इस समय जितना मर्जी ताकतवर और शक्तिशाली दिखाने की कोशिश कर ले मगर उसका अंत भी कुछ ऐसा ही होगा। अलग अलग देश अपने स्तर पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटे हैं। भारत ने भी चीन के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। आलम यह है कि अगर भारत चाहे तो वह चीन के खिलाफ कार्रवाई में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। दरअसल भारत के पास कूटनीति करने का सबसे बड़ा मौका है। ताइवान चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। असल में अगले कुछ दिनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की तरफ से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO का आयोजन किया जा रहा है। चीन चाहता है कि किसी तरह से इसमें ताइवान को शामिल ना किया जाए क्योंकि चीन ताइवान पर अपना दावा जताता है। अगर एक स्वतंत्र देश के तौर पर ताइवान विश्व संगठन के कार्यक्रम में शामिल किया गया तो चीन का दावा कमज़ोर होगा। इसलिए ये भारत के लिए मौका है कि वह ताइवान की मदद करे। आखिर ताइवान वह देश है जिसने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था कि चीन में इंसानों से फैलने वाला एक वायरस फैल रहा है। जिस चीन ने इस बात को दुनिया से छिपाया था उस समय ताइवान ने WHO और दुनिया को आगाह किया। ऐसे में देखा जाए तो वायरस के मामले में चीन को एक्सपोज करने के लिए WHO में ताइवान की मौजूदगी ज़रूरी है। भारत को चाहिए कि वह अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ तालमेल बनाए और ताइवान की मदद करे। इससे चीन पर दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड मानने वाले चीन पर दबाव डालने का भारत के पास ये एक अच्छा मौका है। हालांकि दूसरी ओर चीन भी लॉबिंग में जुटा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई देश ताइवान की मदद ना करे। पर भारत और दुनिया के विकसित देशों को इस दबाव में नहीं आना चाहिए।